बैठ बैठ बैठो, इतनी सर्दी में कहाँ जा रहे हो? दावत पे फिर तो बजाना बनता है, सर्दी हो या गर्मी हो। कहाँ जा रही हो? राशि जा रही होगी उधर, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप भी अपना ड्रेस दिखा दो। कौन सा ड्रेस पहना हुआ है? मैं पार्ट गरम है, अंदर पता नहीं चल रहा, अंदर नहीं पता चल रहा, सर्दी है। और ये कौन बैठा है इतना प्यारा सा? नेम बता दो। माशाल्लाह। और वो सोया कौन है? मुदलेज। वो खुद बताए ना, मुदलेज। इधर देखो, कुकु की जान, इधर देखो क्या हो रहा है? बिट्टू पी रहे हो? बिट्टू पी रहे हो? और वो सामने कौन खड़ा है? हमना हाथ ला दो। माशाल्लाह, ये मम्मा ने सिलाई किया ना? तो यहाँ पे जी आलू वाली टिक्कियाँ भी तैयार हो रही हैं। यहाँ पे बतूल जो है ना आलू वाली टिक्कियाँ बना रही हैं, क्योंकि बच्चों ने खानी है आलू वाली टिक्कियाँ, पसंद की बात होती है। यहाँ पे अंडे भी फेंटे हैं। और ये खड़ी हैं जी मेरी प्यारी सी भतीजी रोमैसा, और साथ ही खड़ी हैं रोमैसा की मम्मा मेरी प्यारी छोटी भाभी। और ये अंदर किचन में टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। यहाँ पर मेरी बड़ी भाभी जो है ना वो टिक्कियाँ तल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ आलू वाली टिक्कियाँ जो है ना वो बतूल ने बनाई हैं और कीमे वाली टिक्कियाँ जो हैं वो भाई ने बना के दी हैं। तो भाभी बहुत मज़ेदार टिक्कियाँ यहाँ पे ना तल रही हैं। और आज हम कहाँ आए हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज मैं आई हूँ जी अपनी, हम पूरी फैमिली माशाल्लाह, हम सारे बहन भाई, हम छोटी बहन के घर आए हैं यहाँ पर सारे बहन भाई इकट्ठे, क्योंकि हमारी भी प्यारी सी जो बहन है ना उन्होंने की है हम सब की दावत। और ये टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हरी मिर्चें धनिया तैयार पड़ा हुआ है सालन के ऊपर डालने के लिए, और यहाँ पे टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं जी बहुत मज़ेदार। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है ना, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब बहन भाई, एक ही जगह पर हैं, एक ही छत के नीचे हैं माशाल्लाह। तो हमारी हैप्पी फैमिली, अल्लाह करे हैप्पी ही रहे। और यहाँ पर जी सलाद वग़ैरह भी तैयार हो रही है, और यहाँ पे टिक्कियाँ सजाई जा रही हैं, बतूल टिक्कियाँ यहाँ पे ना ट्रे के अंदर रख रही हैं। और ये हैं जी कीमे वाली टिक्कियाँ, और यहाँ पे सालन भी तैयार हो रहा है, बकरे का गोश्त है माशाल्लाह। और ये मेरी प्यारी बहन बबली जो है ना वो बना रही हैं सालन भी, और चावल भी उन्होंने तैयार किए हैं। ये देखें जी, चावल और सालन दोनों चीज़ें मेरी प्यारी सी बहन बबली ने बनाए हैं। और यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी बना रही हैं जी, तल रही हैं टिक्कियाँ, कीमे वाली भी और आलू वाली भी। और यहाँ पे हमारे यमी यमी चावल भी तैयार हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। और ये देखें जी मिठाई भी आ गई है, क्योंकि मीठी चीज़ हमने घर में तैयार नहीं की है, तो सिर्फ फिर रूबी ने मिठाई मंगवा ली और हम सब मिल के अब खा रहे हैं मिठाई। और यहाँ पे जी आप रोटी बन रही है, और बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम सब माशाल्लाह बहन भाई इकट्ठे हैं एक ही जगह पे, और बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी यहाँ पे ना मेरी बहन बना रही हैं रोटियाँ,
और हमारा सारा कुछ चनक चावल सालन वो तैयार है, टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं, तो अब रोटी बन रही है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी न्यू मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करके फिर चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। और यहाँ पे जी ये देखें मैंने ये वाले कपड़े पहने हुए हैं और हम सब बहुत तैयार हो के आए हैं यहाँ पे, आज हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। और ये हमारा खाना जो है ना तैयार हो चुका है, ये देखें अंदर दस्तरखान लग चुका है और हम सब बहन भाई यहाँ पे ना बैठ के खाना अब खाएंगे। यहाँ पे भाई डाल रहे हैं चावल सब के लिए और ये सालन रोटी और रायता वगैरह सलाद सारा कुछ तैयार है, ये देखें। और इस मौसम में आप मुझे बताएं कि कोल्ड ड्रिंक किस किस को पसंद है, कौन कौन इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीता है और कौन जो है ना कहता है कि नहीं जी अब मौसम ऐसा है कि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। वैसे बच्चों को तो नहीं देनी चाहिए लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, मैं तो इस मौसम में भी पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा खाना माशाल्लाह, यहाँ पे ये देखे हम सब बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और खाना एंजॉय करने लगे हैं, ये देखें। तो ये रायता भी आ गया और यहाँ पे जी चावल टिक्कियाँ वगैरह प्लेटों में डाल चुकी हैं, सालन वगैरह और सलाद रायता, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है तो कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे साथ साथ। तो अब खाना मुकम्मल हो चुका है, अब बारी आएगी चाय की। आपकी चाय नहीं, कोई चाय नहीं आ गई, भाभी की आ गई, तो यहाँ पे बच्चों ने कहा हमने तो बाहर जो है ना कुछ खाना है, क्योंकि ये वाला खाना भी हम खा चुके हैं लेकिन हमें जो पसंद है ना चीज़ गोलगप्पे वो हमने खाने हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे टाली चौक आ गए और यहाँ बैठ के ये खा रहे हैं जी गोलगप्पे, इंजॉय कर रहे हैं सारे माशाल्लाह। कज़न जो है ना इकट्ठी हुई हैं तो इन्होंने कहा कि हम इस तरह जो है ना बाहर खाना खाएंगे, ये वाला गोलगप्पे खाएंगे, खाना वगैरह तो खा चुके हैं लेकिन बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना चाय पीते हैं, तो उन्होंने यही सोचा है कि हम भी कुछ खा के आते हैं। तो यहाँ पर देखें जी गोलगप्पे यमी यमी बच्चों की पसंद और मुझे भी बहुत पसंद है, और गोलगप्पे तो माशाल्लाह सभी को पसंद होते हैं। और सारी जो है ना हमने एंजॉय करके फिर अब हम आ रहे हैं घर, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 9:15 का टाइम तकरीबन हो गया और यहाँ पे अब हम घर आ रहे हैं। ये देखें जी टाइम भी हो गया 9:10। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।